अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। स्कूल में प्रार्थना होती है, भारत माता की जय बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि बाद में? पहले। इसलिए अच्छा, भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी अच्छा शुभ काम हम करने जा रहे हैं उससे पहले स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, कुल देव्य नमः, ऐसी सारी जय बोलते हैं। मगर भारत माता की जय हम सबके लिए इसलिए अति उपयुक्त हो जाती है कि उसके बाद इस धरती माता पर जितने देवी देवता, सारे तीर्थ और सब जो भी हैं, सबकी जय जय एक साथ हो जाती है। इसलिए जोर से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जैसे हमारे गुरुजी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है अपितु पूरे विश्व का एक दर्शन है, एकात्म मानववाद, जिसका दीनदयाल जी उपाध्याय ने मनन अध्ययन किया। उस एकात्म मानववाद पर आज अमेरिका जैसे विकसित देश भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उसका मूल मंत्र जो है, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा है, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी अगर मिल जाए तो मेरा देश सुधर जाएगा। उन्होंने एक बात और कही है उस एकाध मानववाद में कि गरीबी की लाइन में कोई जाति पाति नहीं है, जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसका विकास हो जाए, यही देश की उन्नति है। उसी के संबंध में ये यात्रा आपके गांव में पधारी है। माननीय मोदी जी के 9 साल पूरे हो रहे हैं, 9 साल में उन्होंने आयुष्मान भारत, जनधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेकों योजनाएं अगर बताएंगे तो उनका सबका लाभ हमारे नीचे तबके लोगों के पास, जो अति गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अधिकारियों के पास जा नहीं सकता, आवेदन बना नहीं सकता, क्या उनको भी इस योजनाओं का लाभ मिल चुका है या नहीं? उसके लिए सारे अधिकारी, सारे विभाग के लोग आपके पास आए हैं। स्कूल में प्रार्थना होती है, भारत माता की जय बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि बाद में? पहले। इसलिए अच्छा, भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी अच्छा शुभ काम हम करने जा रहे हैं उससे पहले स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, कुल देव्य नमः, ऐसी सारी जय बोलते हैं। मगर भारत माता की जय हम सबके लिए इसलिए अति उपयुक्त हो जाती है कि उसके बाद इस धरती माता पर जितने देवी देवता, सारे तीर्थ और सब जो भी हैं, सबकी जय जय एक साथ हो जाती है। इसलिए जोर से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जैसे हमारे गुरुजी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है अपितु पूरे विश्व का एक दर्शन है, एकात्म मानववाद, जिसका दीनदयाल जी उपाध्याय ने मनन अध्ययन किया। उस एकात्म मानववाद पर आज अमेरिका जैसे विकसित देश भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उसका मूल मंत्र जो है, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा है, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी अगर मिल जाए तो मेरा देश सुधर जाएगा। उन्होंने एक बात और कही है उस एकाध मानववाद में कि गरीबी की लाइन में कोई जाति पाति नहीं है, जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसका विकास हो जाए, यही देश की उन्नति है। उसी के संबंध में ये यात्रा आपके गांव में पधारी है। माननीय मोदी जी के 9 साल पूरे हो रहे हैं, 9 साल में उन्होंने आयुष्मान भारत, जनधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेकों योजनाएं अगर बताएंगे तो उनका सबका लाभ हमारे नीचे तबके लोगों के पास, जो अति गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अधिकारियों के पास जा नहीं सकता, आवेदन बना नहीं सकता, क्या उनको भी इस योजनाओं का लाभ मिल चुका है या नहीं? उसके लिए सारे अधिकारी, सारे विभाग के लोग आपके पास आए हैं। जय माँ चंडी मैया, माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी, माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।